हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल टेमिंग फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक डिवाइस पढ़ेंगे जिसको साइक्लोट्रॉन कहते हैं। बेसिकली साइक्लोट्रॉन का यूज क्या है बेटा? चार्ज्ड पार्टिकल को एक्सेलरेट करना। यहाँ एक्सेलरेट करने से मतलब है उसको हाई काइनेटिक एनर्जी देना। अब इन हाई काइनेटिक एनर्जी के पॉजिटिव चार्जेस का यूज क्या है, यानी चार्ज्ड पार्टिकल्स का यूज क्या है? हमको जब पार्टिकल फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स पढ़ना होता है, यानी न्यूक्लियस किससे बना हुआ है इसको देखना है, या कोई भी पार्टिकल जो सब एटॉमिक स्केल पे वो किससे बना है इसको देखने के लिए हम उसको ब्रेक करना चाहते हैं, ताकि ब्रेक होके अपने एलिमेंट्री पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा। उनको ब्रेक करने का सिंपल केवल एक ही मेथड है कि उनको हाई काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल से कोलाइड कराया जाए। तो ये जो हाई काइनेटिक एनर्जी है बेटा, ये सर्टेन केसेस में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, कहीं पे जीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे चाहिए और कहीं पर टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे चाहिए। फिलहाल ये साइक्लोट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये तो हो गया भाई साइक्लोट्रॉन और उसका यूज क्या है, और वो चार्ज पार्टिकल जो हाई काइनेटिक एनर्जी के हैं उनको हम क्यों पाना चाहते हैं, उनका यूज क्या है। अब सिस्टमेटिक वे में देखते हैं साइक्लोट्रॉन क्या है, उसका डिफिनेशन यहां लिखा बेटा, किस प्रिंसिपल पे बेस करता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका वर्किंग क्या है। अगर ये एग्जाम में आता है तो आपको इतना ही लिखना है, अदरवाइज जितना हम बोलते जाएंगे अगले 45 मिनट 60 मिनट तक उतना लैंग्वेज लिखेंगे। 5 मार्क्स का ये साइक्लोट्रॉन या 3 मार्क्स का आएगा, आपको 10 से 15 पेज लिखना होगा, उतना लिखने का जरूरत नहीं है। कितना लिखना है आपको एग्जाम में, ये नोट्स हमने यहां तक दे दिया है, वर्किंग दे दिया, इसके अलावा इसका थियोरी, यूजेस और लिमिटेशंस अभी है, पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं फिर उन पे आएंगे। सो साइक्लोट्रॉन का डिफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए जिस डिवाइस को यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन। हमने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नहीं कहा डिफिनेशन में, क्यों नहीं कहा वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो बेसिकली कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसको एक्सेलरेट करना है तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से वो एक्सेलरेट होगा। बेसिकली सपोज कर लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, अब यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज अगर हम छोड़ देते हैं बेटा, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई, और सपोज कर लो इसका डिस्प्लेसमेंट डी होता है, तो जो वर्क डन होगा वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर जाएगा, यानी के इज इक्वल टू डब्ल्यू, और W क्या होगा, फोर्स QE इंटू डिस्प्लेसमेंट D, और E इंटू D इसको हम जानते हैं क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल को दे सकते हैं, लेकिन हमको काइनेटिक एनर्जी चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चाहिए बेटा, मेगा वोल्ट का चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। काइनेटिक एनर्जी हमको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना चाहिए भाई, मेगा वोल्ट में। बेसिकली अगर हम
यूनिट चार्ज ले ले और उसको वन पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं बेटा, तो उसका काइनेटिक एनर्जी वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देने के लिए हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेगा वोल्ट का चाहिए, जो कि बहुत हाई है। ये हम मिनिमम बता रहे हैं, अदरवाइज अभी हमने कहा था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है चार्ज पार्टिकल का वो हम जीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक चाहते हैं। जीगा मीन्स 10^9, टेरा मीन्स 10^12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना हाई काइनेटिक एनर्जी देने के लिए हम वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हमारा तरीका क्या है इसको करने का, साइक्लोट्रॉन में कैसे ये वर्क करता है। हम जब यहां से यहां तक एक्सेलरेट कराते चार्ज पार्टिकल को, अब किसी तरीके से अगर इसको फिर से उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ यहां पे ले आए, कोई भी मेथड हो आगे हम डिस्कस करेंगे, यहां पे आके उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्यू भी आ गया। अब बिना काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस किया अगर किसी तरीके से हम इसको यहां पे लेते हैं तो फिर से काइनेटिक एनर्जी क्यू भी बढ़ जाएगा, यानी 2qv हो जाएगा। फिर बिना काइनेटिक एनर्जी लूज किए हुए अगर इस चार्ज पार्टिकल को यहां लेते हैं तो फिर से इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा qv से और 3qv हो जाएगा। इस तरीके से बार बार काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता रहेगा। अब ये करते कैसे वहां पे इसको देखते हैं, वो हम इसके प्रिंसिपल में वो चीज छुपा हुआ है कैसे ये वर्क करता है। सो प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट पॉजिटिव चार्ज कैन बी एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज को हम कैसे एक्सेलरेट कर सकते हैं भाई, बाय म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों यूनिफॉर्म होना चाहिए, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम के साथ वायरिंग करना चाहिए। तो ये इसका प्रिंसिपल होगा, इसको डिटेल में और आगे हम समझाएंगे जब वर्किंग की बात करेंगे बेटा, तो वहां पे वो प्रिंसिपल डिटेल में हम समझाएंगे। हाँ, जो लाइन प्रिंसिपल का आपको लिखना है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट पॉजिटिव चार्ज कैन बी एक्सेलरेटेड बाय म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन क्या बेटा, ये एक मेटल का डिस्क ले ले, हॉलो डिस्क, मेटल का हॉलो डिस्क ले ले और उसको डायमीटर के अलोंग कट कर दे और फिर उनके डायमीटर को, ये रेड कलर से हमने दिखाया, डायमीटर के अलोंग कट करोगे तो डी शेप का दो पार्ट हमको मिलेगा। एक डी शेप हमने यहां पे ऐसे रख दिया और एक डी शेप यहां पे ऐसे रख दिया, यानी स्मॉल सेपरेशन के साथ रख दिया। तो ये तो हो गया भाई हमारा साइक्लोट्रॉन का एक मोटा मोटी कंस्ट्रक्शन, क्या है, मेटल का हॉलो डी। एक एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं, जैसे सपोज करो ये एक डी शेप का ऑब्जेक्ट है, सो इसको बीच से ऐसे कट कर दे और एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर स्मॉल सेपरेशन के साथ रख दे, तो उसमें होगा क्या कि फायदा इसका क्या है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये हम जानते हैं। हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, जीरो होगा। लेकिन वो कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस का होगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटर कर सकता है, यानी नॉन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ले ले। कंडक्टर अगर हम बेटा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का ले लिया तो फिर उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। हम नॉन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का हॉलो कंडक्टर डिस्क शेप का ले ले और उसको दो पार्ट में कट करके ऐसे रख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, बेसिकली वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। जैसे हमने ये डी अभी एग्जांपल लिया, ये इस तरीके से है, ये शेप हम इस तरीके से रख दे। अब इसको यहां पे नॉर्थ पोल क्रिएट कर दे, स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल, और यहां पे स्ट्रॉन्ग साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएगा, ऐसे इंटर करेगा। इस तरीके से इसके ऊपर क्या होगा, इंटर करेगा। वही फील्ड हमने यहां पे दिखाया, देखो ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड दिखाया है, यानी ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली इनवर्स है। और इन दोनों डी को हम हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं भाई, हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। यहां पे एक स्मॉल होल होता है, जो एक्सेलरेटेड चार्ज होगा वो यहां से इस तरीके से स्पाइरल पाथ पे चलते हुए चलते चलते यहां से अल्टीमेटली बाहर निकलेगा, और यहां ये हमारा टारगेट है जहां पे ये स्ट्राइक करेगा। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन यहां से लेके यहां तक हमने लिखा बेटा, ये आपको फिगर बनाना है और कंस्ट्रक्शन में ये लैंग्वेज लिखना है। फिगर बनाओगे तो ये ध्यान देना, हम क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे तो ये जो स्पाइरल पाथ बनाया बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्योंकि टीचर इसी पे ध्यान देता है कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, और आपने पता चला क्लॉकवाइज बना दिया तो वो गलत हो जाएगा, वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस फील्ड में एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करेगा, और ये चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आप अपने से चाहे तो चेक कर सकते हैं। सो कंस्ट्रक्शन क्या है, इट कंसिस्ट्स ऑफ टू मेटेलिक हॉलो कंडक्टर्स ऑफ डी शेप। डी शेप के दो मेटेलिक हॉलो कंडक्टर्स है, प्लेस्ड बैक टू बैक विद स्मॉल गैप, बैक टू बैक विद स्मॉल गैप, ये दिखाया बेटा बैक टू बैक, इसको प्लेस किया स्मॉल गैप के साथ, इन दोनों डायमीटर में एक स्मॉल गैप दिया है। द टू डी आर कनेक्टेड टू हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज सोर्स, ये जो दोनों डी है बेटा हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट होते हैं। एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द टू डी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इस दो डी के सरफेस के परपेंडिकुलर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट से। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट से प्रोड्यूस होता है, ये हम जब आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे वहां डिस्कस करेंगे ये कैसे प्रोड्यूस होता है। वैसे ये यहां पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं, इसमें डिस्कस करने में कुछ नहीं। जैसे सपोज कर लो ये है बेटा रॉड, ये मेटल रॉड है, आयरन का रॉड है, और इस पे ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये वायर है, इस पे वायरिंग खूब सारा कर दिया। जब करंट फ्लो करेंगे तो ये जो आपको येलो कलर का लाइनिंग दिख रहा है स्पायर, ये हेलिकल पाथ, ये एक सोलेनॉइड के तरीके बिहेव करेगा, और सोलेनॉइड अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ये आयरन रॉड मैग्नेटाइज हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अब वहां पे जो रॉड है मेटल रॉड, उसका ये जो डायमीटर है बेटा ये बहुत लार्ज होगा, करीब करीब 50 सेंटीमीटर से लेके सर्टेन सेवरल मीटर्स तक हो सकता है इसका डायमीटर, तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्रिएट होगा, और ऐसा ही नीचे हम साउथ पोल क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं। सो दिस इज कंस्ट्रक्शन। अब हम आते हैं वर्क पे बेटा, वर्किंग, ये वर्क कैसे करता है, और यहीं से प्रिंसिपल और ज्यादा क्लियर आपको होगा। तो वर्किंग क्या है, लिखना आपको एग्जाम में इतना ही बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड ब्रिंग्स द चार्ज्ड पार्टिकल अगेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट्स द चार्ज्ड पार्टिकल।
जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ब्रिंग्स द चार्ज पार्टिकल अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन इन इलेक्ट्रिक फील्ड. यहां छूट गया बेटा, यहां पे लिखना होगा मैग्नेटिक फील्ड ब्रिंग्स द चार्ज पार्टिकल अगेन एंड अगेन इन इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या भाई? इन इलेक्ट्रिक फील्ड. जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चार्ज पार्टिकल को बार बार उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाता है. वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? ये फिगर आप बना चुके हैं, तो यहां पे हम दिखा रहे बेटा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है क्या. देखो ये जो रीजन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है. इसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. जो दो डी को हमने स्मॉल सेपरेशन पे छोड़ा हुआ है, तो यहां पे तो कंडक्टर है नहीं, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. बाकी इन दोनों डी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्योंकि वो कंडक्टर है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर होगा. इस रीजन में इसीलिए स्मॉल गैप पे रखा गया है. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? बार बार चार्ज पार्टिकल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है. कैसे एक्सेलरेट करता है इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. देखो कैसे एक्सेलरेट कर रहा है बता रहे. जिस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है बेटा, उसको हम सेंटर ऑफ साइक्लोट्रॉन पे रख देते. यहां पे थोड़ा ज्यादा गैप दिखा के हम इसको डिटेल में बता रहे, पूरा एक रिवोल्यूशन में चार्ज पार्टिकल कैसे एक्सेलरेट हो रहा उसको हम दिखा रहे. ये है हमारा डी वन और ये है डी टू. अब जिस चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज है, जिस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना सेंटर ऑफ साइक्लोट्रॉन पे यहां पे रखते हैं. अब यहां पे रखा, जिस मोमेंट पे यहां पे रखा, सपोज कर लो सर्टेन मोमेंट पे ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है. इसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा हो बेटा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे तो वहां पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. मतलब बस ये है कि सर्टेन मोमेंट के लिए ये हाई वोल्टेज पे होगा, ये लो वोल्टेज पे, फिर कुछ देर बाद ये लो वोल्टेज पे हो जाएगा, ये हाई वोल्टेज हो जाएगा, फिर कुछ देर बाद ये हाई वोल्टेज पे हो जाएगा, ये लो वोल्टेज हो जाएगा. यानी इसका वोल्टेज टाइम ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से वैरी करेगा टाइम के साथ, ठीक है. तो जब हमने यहां पे रखा है तो ये हाई वोल्टेज पे है, ये लो वोल्टेज पे है. ये जो वेरिएबल वोल्टेज है बेटा, इसका एक टाइम पीरियड होगा. यहां पे एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया कैपिटल टी, यहां पे हो गया टी बाय टू, टी बाय टू, फिर ये हो गया थ्री टी बाय टू, फिर ये हो गया टू टी. तो क्या हो रहा है भाई? ये हाई वोल्टेज पे है, ये लो वोल्टेज पे. यहां पे हमने पॉजिटिव चार्ज रखा है. अच्छा, ये जो दोनों डी है, हॉलो डी, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो होगा क्योंकि ये नॉन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से बने हैं, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटर कर जाएगा. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, भले ही ये दोनों एसी सोर्स से जुड़े हैं, ये दोनों कंडक्टर एसी सोर्स से जुड़े हैं, लेकिन इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां एजेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इन दोनों गैप पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हाई वोल्टेज पे. यानी ये हाई वोल्टेज पे यानी पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा भाई? इधर से इधर होगा. इस गैप में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और डी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा. इस गैप में भी मैग्नेटिक फील्ड होगा लेकिन उसका कोई खास इफेक्ट आएगा नहीं, इसलिए बुक में जनरली उसको डिस्कस नहीं करता. अब चलो देखते होता क्या. तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इस मूवमेंट पे, यानी इस हाफ के लिए. ये हाई वोल्टेज पे है,
ये हाफ हाई वोल्टेज है ना बेटा, तो ये हाई वोल्टेज पे इस टाइम 0 to T/2 के लिए, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा। अच्छा इधर फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेट होगा, अच्छा एक्सेलरेट होगा तो स्पीड गेन करेगा, स्पीड गेन करके जो ही इस कंडक्टर के अंदर पहुंचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। अब एक्सेलरेट नहीं होगा मतलब अब स्पीड गेन नहीं करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के वजह से वो सर्कुलर पाथ पे चलेगा। तो ये सर्कुलर पाथ पे ऐसे चलेगा इस तरीके से, तो एक सेमी सर्कुलर पाथ पे चलेगा और फिर बाहर निकल आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कराया भी हुआ है, अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन कराया भी हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो रिफ्लेक्ट बैक करेगा, तो ये यहां से रोटेट करते हुए इधर निकलेगा। अब इधर ऐसे रोटेट क्यों करेगा, हमने दो चीज बताया था बेटा, इस टाइप का चार फिगर हमने बनाया था, एक क्रॉस फील्ड के लिए, एक डॉट फील्ड के लिए, कि उसमें चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे चलता है तो वो इस तरीके से चलता है कि उसका खुद का फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो एक्सटर्नल फील्ड इनवर्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये ऐसे मूव करेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, इसलिए ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अदरवाइज आप इस राइट हैंड रूल से भी देख सकते हैं, चारों फिंगर को हमने बी के तरफ कर लिया और जिधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा उधर थंब कर लिया, तो फोर्स किधर लग रहा, ऊपर की ओर। फोर्स ऊपर की ओर लगने का मतलब ये जब ऐसे जा रहा तो ऊपर की ओर पेंट करेगा और इस तरीके से सेमी सर्कुलर पाथ पे चलेगा, और जो यहां से बाहर निकलेगा उसी मोमेंट पे ये चार्ज, ये एसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि जब ये बाहर निकलेगा T/2 टाइम में इसका पोलैरिटी चेंज कर जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव पे और ये हो जाएगा निगेटिव पे। ये स्टेप वन था बेटा, जब डी में इंटर किया, D2 में इंटर किया तो D1 हाई वोल्टेज, D2 लो वोल्टेज, एक्सेलरेट हुआ D2 की तरफ। सेकेंड स्टेप, जो ही D2 से बाहर निकलेगा ये हाई वोल्टेज पे हो जाएगा और ये वाला किस पे हो गया भाई, लो वोल्टेज पे। ये जो वोल्टेज दिखा रहे बेटा, ये ग्राफ ड्रॉ किया इसके वोल्टेज का, तो ये लो वोल्टेज पे हो गया, ये हाई वोल्टेज पे हो गया। अब चार्ज पार्टिकल यहां पे निकला भाई पॉजिटिव चार्ज, और ये हाई वोल्टेज पे है, ये लो वोल्टेज पे, यानी अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर गया। अब डायरेक्शन ये नहीं होगा बेटा, अब किधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स कर जाएगा, इधर हो जाएगा और इधर होगा, तो ये इधर एक्सेलरेट होगा और काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। समझ में आई बात, तो काइनेटिक एनर्जी और गेन कर लेगा तो स्पीड और बढ़ जाएगा। अच्छा स्पीड बढ़ जाएगा तो आर इक्वल टू, जिस सर्कुलर पाथ पे चलेगा आर इक्वल टू mv/qb। तो जब स्पीड बढ़ गया तो रेडियस बढ़ जाएगा, तो अब अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर पाथ पे चलेगा, लेकिन सर्कुलर पाथ का रेडियस पहले से ज्यादा होगा। ये लो भाई ऐसे होगा, ऐसे आगे। अब जो ये हाफ सर्कल सेमी सर्कल कंप्लीट करेगा, थर्ड स्टेप क्या हुआ, ये फिर से हाई वोल्टेज पे आ गया D1 और D2 लो वोल्टेज पे आ गया जब ये यहां पे निकला। अब क्या होगा, फिर हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज एक्सेलरेट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो जाएगा, ये इस तरीके से एक्सेलरेट होगा और ये यहां पे जब पहुंचेगा, जब यहां पे पहुंचा बेटा तो और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो गई और स्पीड बढ़ गया इस फार्मूले के हिसाब से, तो रेडियस और बढ़ जाएगा, तो जो सेमी सर्कुलर पाथ पे चलेगा उसका रेडियस और ज्यादा होगा, ये इस तरीके से आ गया और स्पीड भी बढ़ गया। जब ये यहां निकल लोगा फिर क्या होगा, ये चौथा स्टेप लो वोल्टेज पे हो गया और ये हाई वोल्टेज पे हो गया, फिर ये इधर एक्सेलरेट होगा, फिर स्पीड बढ़ा तो फिर रेडियस बढ़ा, तो इस तरीके से ये इस पाथ पे चलता है। तो जो एक्चुअल पाथ है, अब आपको समझ में आ गया, ये जो प्रिंसिपल समझाया है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट पॉजिटिव चार्ज कैन बी एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेट
का मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाया जा सकता है, एक्सेलरेटेड का मतलब यहाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना नहीं होता, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है बाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज उस लाइन में ये पूरा लिखा हुआ जो हम पिछले 7 मिनट से समझा रहे हैं आप लोगों को। तो इस तरीके से ये एक्सेलरेट किया जाता है और इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता जाएगा। अभी जो हम समझाना चाहते थे, देखो यहाँ पे पाथ देखे बेटा, तो लूज लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ये स्पाइरल पाथ पे चल रहा है। स्पाइरल पाथ कछुआ छाप जैसे होता है, जो शेप होता है कछुआ छाप का, ये स्पाइरल पाथ है, स्पाइरल पाथ पे चल रहा है। थोड़ा सा और लैंग्वेज हम करेक्ट करें तो ये इस डी में और इस डी में सेमी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और उस सेमी सर्कुलर पाथ का रेडियस अलग अलग है। हर एक सेमी सर्कल का देखो बेटा बाहर की ओर रेडियस इंक्रीज करता जा रहा है। तो अगर ओवरऑल ले तो ये वाला जो रीजन हमने बनाया, ये वाला रीजन जो गैप है, इसमें ये स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। हम ये सपोज कर ले कि मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के रिस्पेक्ट में नेगलिजिबल है, जो कि रियलिटी है। इस रीजन में मैग्नेटिक फोर्स यहां भी लग रहा, जो इसको टर्न करा रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स यहां पे भी लग रहा होगा बेटा, जो इसके पाथ को थोड़ा सा तो टर्न करा रहा होगा। तो आइडियली स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स बहुत वीक होगा, इसलिए इस गैप में, ये जो गैप है फ्यू मिलीमीटर का ही होता है, तो कितना टर्न करा लेगा, तो करीब करीब स्ट्रेट लाइन पे ये चलता है। तो जिस पाथ पे वो ये चल रहा है वो सेमी सर्कुलर पाथ से मिलके बना हुआ, जिसका रेडियस कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा। कंटिन्यूअसली का मतलब हर हाफ टाइम पीरियड के बाद, ऐसा नहीं इसके अंदर रेडियस इंक्रीज नहीं कर रहा बेटा, यहां पे आके रेडियस बढ़ गया, फिर यहां पे इसका रेडियस बढ़ गया, तो रेडियस एकाएक बढ़ रहा है। जैसे यहां से यहां तक रेडियस कॉन्स्टेंट, फिर ये स्ट्रेट लाइन, फिर यहां से यहां तक रेडियस एकाएक बढ़ के और फिर कॉन्स्टेंट हाई स्पीड में, फिर यहां से यहां स्पीड बढ़ा, तो इस वाले में रेडियस बढ़ा लेकिन यहां से यहां तक पूरा रेडियस कॉन्स्टेंट रहेगा। इस फिगर को आप देख रहे हो तो ये ऐसा लग रहा कि रेडियस कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, जैसे यहां पर रेडियस कंटिन्यूअसली बढ़ रहा, वैसा नहीं है। रेडियस हर एक हाफ साइकिल में इंक्रीज कर रहा है और किसी भी हाफ साइकिल में लोगे तो वो रेडियस कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ये पूरा हमने इसका वर्किंग डिस्कस कर दिया बेटा। अब आते हैं साइक्लोट्रॉन का थियरी क्या, थियरी का मतलब इसमें कुछ एक फार्मूले बेटा, और दो फार्मूले हम डिस्कस करेंगे। एक तो साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि साइक्लोट्रॉन में जो एसी सोर्स लगा हुआ है उसका टाइम पीरियड ऐसा होना चाहिए जो चार्ज पार्टिकल के टाइम पीरियड के साथ मैच करे, यानी चार्ज पार्टिकल जितने देर में यहां से चल के यहां पहुंच रहा उतने देर में ये हाफ टाइम पीरियड हुआ। भाई एक कंप्लीट रिवोल्यूशन फुल टाइम पीरियड रख दे तो किसी भी एक डी में क्या होगा, हाफ टाइम पीरियड। ये जो गैप है इसके बीच, इस इंटरवल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा फ्यू मिलीमीटर का, उस इंटरवल को नेग्लिजिबल मान ले बेटा, तो यहां से यहां जाने में हाफ टाइम पीरियड, यहां से यहां जाने में हाफ टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड रेडियस पे तो डिपेंड नहीं करता, इसका फार्मूला क्या, टी इज इक्वल टू 2πm/qb। तो यहां से देखें जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगा उससे टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी हमारे साइक्लोट्रॉन का एसी सोर्स का टाइम पीरियड वही होना चाहिए जो इस चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड है, तभी करेक्ट टाइम पे जब एक डी से वो निकलेगा तो पोलैरिटी तभी करेक्ट टाइम पे चेंज करेगा। यानी थियरी में हमको जो डिस्कस करना है, थियरी यहां हम लिख रहे हैं थियरी ऑफ साइक्लोट्रॉन, इसमें दो टॉपिक हम स्टडी करेंगे बेटा, एक फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन,
फर्स्ट टॉपिक क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सी यानी साइक्लोट्रॉन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, इसको हम पी लिख दे बेटा पार्टिकल। फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल के बराबर होना चाहिए, तभी वो करेक्ट टाइम में पोलैरिटी चेंज कर पाएगा। और फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल क्या होगा, चार्ज पार्टिकल, वन बाई टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल। और टाइम पीरियड का फार्मूला हम जानते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है, वन अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होगा टू पाई एम अपॉन क्यू बी। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या हो गया भाई, क्यू बी अपॉन टू पाई एम। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला बेटा। यानी साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी केवल, साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, ये जो एसी सोर्स है उसका फ्रीक्वेंसी बेटा, बाकी उस डिवाइस का कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता। जो एसी सोर्स लगा रहे, किस फ्रीक्वेंसी का एसी सोर्स लगाए, वो हमको साइक्लोट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ में हमको उस चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड करेगा जिसको एक्सलरेट कराना, उसके क्यू बाई एम रेशियो पे डिपेंड करेगा। यानी सेम साइक्लोट्रॉन हम ले ले तो उस साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी प्रोटॉन के लिए कुछ और होगा और अल्फा पार्टिकल के लिए कुछ और होगा, वो इस क्यू बाई एम पे डिपेंड करेगा। प्रोटॉन के लिए क्यू बाई एम है तो फिर अल्फा पार्टिकल ने तो टू क्यू अपॉन फोर एम, यानी उसका फ्रीक्वेंसी, प्रोटॉन का फ्रीक्वेंसी अगर एफ है तो सेम साइक्लोट्रॉन में अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए उसका फ्रीक्वेंसी एफ बाई टू हो जाएगा, प्रोटॉन का हाफ होना चाहिए। तो ये तो हो गया भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। नेक्स्ट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, जिस चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट करा रहे बेटा उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यानी यहां से जब निकल रहा होगा तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे ये इसके अंदर रोटेट कर रहा है बेटा, इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा ये इस पॉइंट पे। तो यहां पे इसका रेडियस हम मान ले कैपिटल आर, जो कि इसके डी के रेडियस के बराबर है। ये रेडियस हम क्या मान रहे बेटा, कैपिटल आर, और इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ साइक्लोट्रॉन। जो दोनों डी है उनका जो रेडियस होगा उसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हम देख रहे जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम जानते हैं, ये सेकेंड फार्मूला थियरी में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमको ये पता बेटा कि रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑन सर्कुलर पाथ इज एम वी अपॉन क्यू बी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एम वी अपॉन क्यू बी, चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता तो उसका रेडियस ये होता। यहां से हम वी निकाल लें तो वी इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दें तो के इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर यानी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। एक एम कैंसिल आउट हो गया, सो के इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टू
एम। तो रेडियस जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा, जैसे जैसे रोटेट कर रहा है, रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। रेडियस जैसे जैसे इंक्रीज करेगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। अब के मैक्सिमम होगा कितना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा कितना बेटा, जब रेडियस मैक्सिमम होगा। और इस चार्ज पार्टिकल जिस सेमी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है उसका मैक्सिमम रेडियस क्या हो सकता है, इसी डी के रेडियस के बराबर, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। तो ये कैपिटल आर पुट कर दें, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन टू एम। अब ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा जहां पे कैपिटल आर क्या बेटा, रेडियस ऑफ साइक्लोट्रॉन या रेडियस ऑफ डी। तो यहां तक ये सारा चीज आप नोट कर लो। इसको नोट करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन एंड लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। चलो नोट कर लो भाई। तो अब ये आ गया यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। यूजेस क्या क्या है बेटा देखें, तो यूजेस इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। यानी साइक्लोट्रॉन को हम यूज करते हैं किसको एक्सेलरेट करने के लिए बेटा, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। क्यों, केवल प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्यों नहीं एक्सेलरेट कर सकते हैं, ये इसके लिमिटेशंस में आ जाएगा। बेसिकली तीन लिमिटेशन लिखाया, वन टू एंड थ्री, इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इट कैन नॉट एक्सेलरेट अनचार्ज्ड पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन। बड़ा सिंपल रीजन है, न्यूट्रॉन को क्यों नहीं एक्सेलरेट कर सकता बेटा, क्योंकि न्यूट्रॉन पे नेट चार्ज जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगा, यानी उसको एक्सेलरेट नहीं करेगा। सेकेंड लिमिटेशन, यूजेस में लिखा है कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, लेकिन सेकेंड लिमिटेशन में देखो क्या कर रहा है, इट कैन नॉट एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल बियॉन्ड सर्टेन लिमिट। सर्टेन लिमिट के बियॉन्ड एक्सेलरेट नहीं कर सकता, वो सर्टेन लिमिट से अप्रोक्सीमेटली 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर अगर हम एक्सेलरेट करना चाहेंगे बेटा, एक्सेलरेट नहीं कर सकता। रीजन क्या है, बिकॉज मास स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विद इंक्रीज ऑफ स्पीड। क्योंकि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का मास इंक्रीज करना स्टार्ट करता है, जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज करेगा उसका मास इंक्रीज करेगा। अकॉर्डिंग टू रिलेटिविस्टिक थियरी ऑफ आइंस्टाइन, मास ऑफ अ पार्टिकल, वो चार्ज पार्टिकल हो या अनचार्ज पार्टिकल हो, किसी भी पार्टिकल का मास जो है बेटा वो स्पीड के साथ चेंज करता है। तो जो अभी तक हमने पढ़ा था कि मास कांस्टेंट रहता है किसी बॉडी का, ऐसा नहीं है। स्पीड इंक्रीज करने के साथ मास इंक्रीज करता है। एम नॉट रेस्ट मास है, यानी कोई बॉडी रेस्ट में है उसका मास एम नॉट है। सो वी स्पीड के साथ अगर हम देखें तो मास इंक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे जैसे वी इंक्रीज करेगा ये डिनोमिनेटर इंक्रीज करना शुरू करेगा। भाई वी इक्वल टू सी ले लो तो ये पूरा क्या हो गया, जीरो, मास इनफाइनाइट हो जाएगा। इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा था कि कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से फ्री स्पेस में मूव नहीं कर सकता है। एक रीजन ये है, और भी बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है, एक रीजन यहां से है क्योंकि उसका मास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर उसका स्पीड लाइट के स्पीड से ज्यादा हो गया तो मास इमेजिनरी हो जाएगा बेटा, ये नंबर ही निगेटिव हो गया, और निगेटिव का रूट क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया।
तो होता क्या है, जब काइनेटिक एनर्जी सर्टेन लिमिट के बाद गेन करेगा बेटा, तो स्पीड इंक्रीज करेगा सर्टेन लिमिट के बाद और मास उसका इंक्रीज करने लगेगा। अब मास इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला, अभी जो पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी है उसको हमने डिस्कस किया था, ये है qb अपॉन 2 पाई m। तो जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, स्पीड क्या होगा भाई, इंक्रीज करेगा, मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो फ्रीक्वेंसी यहां से देखे तो डिक्रीज करेगा। लेकिन जो साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी है वो तो कांस्टेंट रहेगा भाई। यहां से हमने सॉल्व करके यहां एम नॉट रख दो, यानी रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन, उसके अकॉर्डिंग पार्टिकल का जो फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी का एसी सोर्स हमने लगाया, तो वो तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल डिक्रीज करने लगा। तो डिक्रीज करते करने से होगा क्या बेटा, कि स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड इट गोज आउट ऑफ फेज विद साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन के साथ आउट ऑफ फेज हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ ये हम बता रहे हैं। सपोज कर लो साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी है n, अब इसका भी फ्रीक्वेंसी शुरू में क्या रहा होगा, n रहा होगा, शुरू में क्या रहा होगा, n रहा होगा। अब n से वो डिक्रीज करते करते जब पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी n माइनस हाफ हो जाएगा, क्या हो गया, n माइनस हाफ। साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी n फिक्स है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से स्पीड बढ़ा, मास बढ़ा, फ्रीक्वेंसी घटेगा, तो घटते घटते कभी ना कभी n माइनस हाफ हो जाएगा, यानी हाफ से फ्रीक्वेंसी जब डिक्रीज कर जाएगा तो ये पार्टिकल साइक्लोट्रॉन के साथ आउट ऑफ फेज हो जाएगा, यानी अपोजिट फेज में हो जाएगा। अपोजिट फेज में होने का मतलब क्या होता है, अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़े होंगे तो इसका मतलब क्या हो, फेज डिफरेंस पाई का हो गया। यहां पे मीनिंग क्या वो हम समझा रहे हैं, आउट ऑफ फेज होने का मतलब। देखो होगा क्या बेटा, जैसे सपोज करो कि चार्ज पार्टिकल D2 में है, ये मूव करते करते कभी यहां D2 पे यहां पे है और यहां से निकल रहा है, यहां से निकल रहा है तो आउट ऑफ फेज होगा। तो यहां से निकल रहा तो ये हाई वोल्टेज पे होना चाहिए, ये लो वोल्टेज पे होना चाहिए, लेकिन आउट ऑफ फेज पे हो जाएगा तो ये हाई वोल्टेज पे हो जाएगा, ये लो वोल्टेज पे हो जाएगा, और अब ये बाहर निकलेगा तो अब इलेक्ट्रिक फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, यानी ये रिटार्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा, एक्सेलरेट नहीं होगा। यही मीनिंग है आउट ऑफ फेज होने का, इसका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा तो ये हमेशा करेक्ट, कुछ देर तो करेक्ट टाइम तक निकलेगा, रिवोल्यूशन तक, लेकिन बाद में घटते घटते क्या होगा कि जब ये बाहर निकलेगा तो ये हाई वोल्टेज पे होगा और ये लो वोल्टेज पे होगा, इस तरीके से हम कहेंगे आउट ऑफ फेज हो गया। अब ये एक्सेलरेट नहीं होगा बल्कि रिटार्ड होगा, रिटार्ड होगा, फिर स्पीड घटने लगेगा, घटते घटते फिर एक सर्टेन लिमिट पे आके फिर उसका स्पीड बढ़ना शुरू होगा, फिर घटना शुरू होगा, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है सर्टेन लिमिट के बाद इंक्रीज नहीं करेगा, वही चीज यहां पे समझाया गया। थर्ड लिमिटेशन देखे तो करीब करीब यही वाला लिमिटेशन है, इट कैन नॉट एक्सेलरेट नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, रीजन यही वाला बेटा, यहां पे कह रहा कि सर्टेन लिमिट के बाद एक्सेलरेट नहीं कर सकते, यहां कह रहा कि कैन नॉट एक्सेलरेट नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, बिकॉज एक्सेलरेट तो करेगा यार, सर्कुलर पाथ पे चला है, सेमी सर्कुलर जो भी कहो, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा, लेकिन यहां एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन से नहीं है, मतलब यह है कि उसको काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करा पाएगा। अब कितना गेन नहीं करा पाएगा, तो थोड़ा बहुत तो करेगा लेकिन ज्यादा नहीं करा पाएगा। क्यों ज्यादा नहीं करा पाएगा, लाइक इलेक्ट्रॉन, बिकॉज
इट इज वेरी लाइट, इलेक्ट्रॉन कैविटा बहुत लाइट है, प्रोटॉन के मास का 1837 गुना कम होता है, यानी अप्रोक्सीमेटली 2000 गुना कम होता है. सो इट इज वेरी लाइट एंड विद गेन ऑफ स्मॉल काइनेटिक एनर्जी इट्स स्पीड बिकम्स लार्ज. ये लाइट है और लाइट है तो काइनेटिक एनर्जी गेन करने के साथ हाफ एम वी स्क्वायर, आप वी निकालो तो वी क्या आया, अंडर रूट 2k/m. ये m कम है तो सेम काइनेटिक एनर्जी में प्रोटॉन का स्पीड निकालो और सेम काइनेटिक एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन का स्पीड निकालो, ये 2000 गुना कम है तो ये क्या हो जाएगा, बहुत लार्ज हो जाएगा और लाइट के स्पीड के नजदीक बहुत तेजी से पहुंचेगा. स्लो, थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी गेन करने पे लाइट के स्पीड के करीब करीब बराबर हो जाएगा. तो अब जब बराबर हो जाएगा या उसके पास पहुंचने लगेगा तो स्पीड लार्ज हो गया, सो इट्स मास इंक्रीजेस, इसका मास बहुत ही कम काइनेटिक एनर्जी गेन पे ही इंक्रीज करने लगेगा. आगे का रीजन एकदम सब वही है, सेम है. मास इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला वहां हमने नहीं लिखा था, यहां पे लिख दिया बेटा, एफ इसका टू क्यू बी अपॉन 2πm. जो फ्रीक्वेंसी है चार्ज पार्टिकल का वो ये होता है, तो मास इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा तो एज फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन रिमेन्स सेम, साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी वही है और इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, डिक्रीज कर गया इलेक्ट्रॉन का. सो इलेक्ट्रॉन गोज आउट ऑफ फेज विद साइक्लोट्रॉन विद स्मॉल गेन इन काइनेटिक एनर्जी. स्मॉल गेन करने के बाद ही ये इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन के साथ आउट ऑफ फेज चला जाएगा, यानी करेक्ट टाइम पे वो बाहर नहीं निकलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का पोलैरिटी इस तरीके से चेंज हो जाएगा हाफ फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के बाद कि इलेक्ट्रॉन रिटार्ड होने लगेगा, यानी सर्टेन काइनेटिक एनर्जी के बाद वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा नहीं और वो सर्टेन काइनेटिक एनर्जी बेटा बहुत ही स्मॉल होगा, प्रोटॉन से बहुत कम होगा, इसलिए हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करता है. अब बात ये उठता है कि अगर प्रोटॉन को ये 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं दे सकता तो उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देने के लिए हम करेंगे क्या, हमारे पास डिवाइस क्या है, तो उस डिवाइस का नाम है बेटा सिंक्रो साइक्लोट्रॉन. अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, सिंक्रो साइक्लोट्रॉन, सिंक्रो साइक्लोट्रॉन. सिंक्रो साइक्लोट्रॉन में क्या होता है, उसमें एक ऐसा अरेंजमेंट किया गया होता है कि जैसे जैसे प्रोटॉन का फ्रीक्वेंसी घटेगा, जो एसी सोर्स है उसका भी फ्रीक्वेंसी उसी तरीके से उसी टाइम के साथ डिक्रीज करेगा और हमारा साइक्लोट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा सिंक्रोनाइज्ड रहेंगे, यानी एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ उनका मूवमेंट होगा, प्रोटॉन का और एसी वोल्टेज का. तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगा तो प्रोटॉन एक्सेलरेट होता रहेगा. इसको डिवाइस को हम कहते हैं सिंक्रो साइक्लोट्रॉन. थोड़ा सा चेंज किया गया साइक्लोट्रॉन में, एक ऐसा साइक्लोट्रॉन जिसके एसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी हम अपने आप डिक्रीज कर सकते हैं जैसे जैसे हमारे प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा है. लेकिन इसका भी एक लिमिट है सिंक्रो साइक्लोट्रॉन का, उसके बाद क्या होता है, करीब करीब 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद ये भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करा सकता है. ऐसे केस के लिए आपने एक वर्ड सुना होगा बेटा एलएचसी, 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 लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर. ये एलएचसी लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर क्या बेटा, एक सर्कुलर रिंग बना हुआ करीब करीब 27 मील का,
ग्राउंड से 175 मीटर नीचे 27 माइल का एक सर्कुलर रिंग बना हुआ जिसमें हम एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और ये जो टनल बना है, ये टनल कहाँ पे है? जेनेवा के पास, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे जेनेवा के पास बना है। ये जो एलएचसी है, ये 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एलिमेंट्री पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकता है। अब इस पे आए थर्ड पे, अगर इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट नहीं कर सकता तो वो कौन सा डिवाइस है जो इसको एक्सेलरेट करता है? बेसिकली ये हम बता रहे हैं क्योंकि आपके अंदर ये जिज्ञासा होगा, इसलिए बता रहे बेटा। और मेडिकल नीट के स्टूडेंट्स को जानना चाहिए क्योंकि वहां पे पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराने का जो डिवाइस है उसको हम कहते हैं बीटाट्रॉन। तो आज ये लेक्चर हम यहीं खत्म करते बेटा। हम ये जो बोर्ड पे आपको लिख के इतना प्रॉपर नोट्स देते हैं, इसका रीजन ये है कि नोट्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। जब भी आप वीडियो देखते हैं प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं है तो आप किसी भी सब्जेक्ट में कभी भी अच्छे नहीं हो सकते हैं। जितना हम वीडियो में पढ़ाते बेटा, आप वीडियो से रिवीजन नहीं कर सकते, वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हमारे पास नोट्स होना जरूरी है। सो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन इन द क्लास। वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट टर्न विद न्यू टॉपिक। जो हमारा नया टॉपिक होगा बेटा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करेंट कैरिंग वायर। सो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ and keep studying. Sayonara, Godspeed and bon voyage.